Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि आपको पता रहेगा कि गाइस हमको दो हफ्तों में दिखने वाला है WWE का साल का सबसे बड़ा इवेंट रेसलमेना के बाद SummerSlam 2024। लेकिन ये बार सबके निगरा है कि कब हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर हमको रिटर्न आते हुए देख सकते हैं। गाइस जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर SummerSlam 2023 में जो कि हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है गाइस, उन्होंने उनका लास्ट मैच रेसल किया था अगेंस्ट दी अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स, और तब से लेके अभी तक ब्रॉक लेसनर ने उनका रिटर्न किया नहीं है। और दो हफ्तों में पूरा एक साल होने वाला है कि हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने WWE में कम्पीट किया रहेगा। तो अभी सब लोग यही पूछ रहे हैं कि कब हमारे ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं। तो बस हमको रिसेंटली रिपोर्ट मिली थी कुछ महीनों पहले कि जो कि WWE की क्रिएटिव टीम है गाइस, वो रुकी है कि जो गाइस WWE की लीगल टीम है गाइस, वो जब क्लियरेंस देगी ब्रॉक लेसनर को वापस आने के लिए, तभी वो ब्रॉक लेसनर को वापस ला सकती है। क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर गाइस तो झमेले में फंसे थे विंस मैकमैन की वजह से, और उससे बाहर निकलने को गाइस ब्रॉक लेसनर को बहुत टाइम लग रहा है। तो जैसे ही गाइस ब्रॉक लेसनर वो इशू से रिलीफ हो जाता है, नहीं कह सकते वो इशू उनका सॉल्व हो जाता है, तो ब्रॉक लेसनर को गाइस WWE की लीगल टीम गाइस क्लियरेंस दे देगी वापस आने के लिए, और फिर गाइस हमको ब्रॉक लेसनर जल्दी रिटर्न आते हुए दिखेंगे। और गाइस अगर जब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आते गाइस, उनको मोस्ट प्रोबेबली गाइस जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का पिक्चर है गाइस, उसमें ही इन्वॉल्व होते हुए दिखने वाला है। क्योंकि जो अभी फिलहाल WWE चैंपियनशिप का पिक्चर है गाइस, उसमें अभी फिलहाल गाइस बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स इन्वॉल्व है, जैसे कि कोडी रोज, रैंडी ऑर्टन और रोमन रिंग्स भी आने वाले, और फिर द रॉक। तो इसलिए गाइस ब्रॉक लेसनर रिटर्न है तो वो सीधा गाइस वो हमको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के पिक्चर में इन्वॉल्व होते हुए दिखने वाले हैं। अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके कीजिए ये वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और प्लस अगर जर आपको हमारे चैनल के सब वीडियोस और अपडेट सबसे पहले चाहिए तो कृपया करके हमारे बेल आइकन को भी दबा के रख लीजिए, जिससे कि आपको सब अपडेट्स और वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए।